मुबारक हाँ। आज तो मुबारक पड़ती है क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए हैं ठीक है वो लब्बे ही नहीं थे लेकिन वो वहीं पाए गए हैं वेट we'll uh, लेकिन महक रिहाँ जिसने ये पेपर क्लिप्स के साथ मेरे लिए आज नेकलेस बनाया और मैं वो पहन के आज आई हूँ बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है महक मुझे भी कुछ बना के दो <laughs> <laughs> हाँ हम कोशिश करेंगे अगर हमें और स्टेशनरी ऑफिस के मिले थे आप क्या पहनना चाहेंगे नेकलेस जो भी ब्रेसलेट hmm. कुछ भी पहने no. पहनना होएगा ठीक है चलो ठीक है गाइज विल कम बैक टू ऑल द डिटेल्स लेकिन और हमने स्टार्ट किया था इमरान खान का एकदम से कल फाद मच गया था गिरफ्तार करना खुद वो कुछ खुद भी कह रही थी कि ना, मैंने फाड़ के लाए जाना है ना भाड़ के ला जाना है ठीक है उन्होंने कुछ बातें कहीं कुछ धमकियां दी खातून को दी ऐसा दतियाँ उन्होंने दतियाँ ठीक है वो भड़कते गए फिर पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं फ्राहम करेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे अच्छा वो मामला होता क्या होता क्या अब कल रात को जो है पुलिस वहाँ पे पहुँच गई उन्होंने लगा आज जितने फड़े आ गया ठीक है थोड़ी देर बाद खबर यही आई थी कि इमरान खान जो है वो गायब हो गए हैं चूंकि आई डोंट थिंक सो ही वॉज देयर राइट I don't know, I have no idea, लेकिन शुक्र है कि गिरफ्तार नहीं, नहीं किया हुए, बिल्कुल और नहीं। उसकी वजह यह है कि ये इस हुकूमत को एक तो ये कि इनको शबाज गिल को भी नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था हाँ, हम तो उसके भी खिलाफ हाँ थे। अच्छा ये इस हुकूमत को जो है ना पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही खैर कुछ लोगों को तो आ रही है आ, साद रफीक ने बड़ा अच्छा तकरीर की अगर इन इस वक्त पीटीआई का एक बंदा गिरफ्तार है तो हमें बगले बजाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी भी बारी आई थी अब इनकी आई हुई है कल को फिर हमारी आनी और है आपको भी पता है कि गिरफ्तारियां किस तरह हो अच्छा अब प्रॉब्लम फिर वही है लेकिन की असल तो मसला ये है कि इस हुकूमत को इतना अलाकार भी नहीं बनना चाहिए था ठीक है बात यह है कि कहते हैं कि जी ही इज योर प्रॉब्लम नो आप इन लोगों को एक बात समझ आने की जरूरत है और वो ये है कि अभी हुकूमत के लिए मकबूल होना तो बड़ा मुश्किल काम है महंगाई है बढ़नी है डॉलर ऊपर नीचे होना है पता नहीं वहां से कब पैसे आने हैं पेट्रोल समझ नहीं आ रही किधर जाएगा और फिर भी बात है इसमें वही किसी की भी हुकूमत होगी सारा कुछ होना है तो जो जिसकी भी हुकूमत होगी इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो पॉपुलर पॉपुलैरिटी खत्म हो रही थी उनकी अब, हाँ, अब तो ये आगे इनकी खत्म हो रही थी इसके साथ मुक जाती इस है इसमें साथ गिरफ्तारियां करनी जो है ना ये बहुत मैं इनको मजीद नुकसान पहुँचाएगा नंबर एक चीज़ नंबर दो चीज जाहिर इस हुत का पीटीआई की हकूमत से तो थोड़ा सा रवैया बेहतर है वो रवैया बेहतर किस तरह है कि जब पी टी आई की हुकूमत में ये लोग अंदर जा रहे थे पी एम एल एन वाले तो वो खोल, खोल दो दरवाजा हाँ। तो जब पी एम एल एन वाले अंदर जा रहे थे तो तब अभी तो जिस तरह ये है ना कि बहुत कम लोग हैं जो ओन कर रहे हैं के ज़्यादातर कह रहे हैं कि जी हमने नहीं सेलिब्रेट तो बिल्कुल नहीं कर रहे कि देखा, मजा आ रहा है जब पीटीआई के दौर में ना वही सीन के इन्होंने चप्पे चढ़ाने शुरू कर दिए एक तो ये जो है ना मतलब अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई का वो होता है ना कि फॉरेन फंडिंग की वजह से पीटीआई का इनको नाम बदलना पड़ता है तो वो जो है ना तहरीके चप्पा मूवमेंट कर ले क्योंकि हर चीज में ना हवाई चप्पे तो रात को आपने ये देखा था मुझे के के, you can't touch खान दिस इज अवर रेड लाइन और वही वो, वो ट्वीट मेरे ख्याल से कोई डेढ़ सौ अकाउंट ने उस बैठ के किए कि यू कॉन्ट टच इमरान खान हाँ और वो अब पता नहीं फिर वही बात है उड़ती उड़ती खबरें होती हैं मतलब खबरें नहीं ये तो रूमर्स होती हैं अभी इसमें पता नहीं कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है और लेकिन अगर ये ठीक है तो फिर पहली दफा मियाँ साहब और मैं एक पेज पे थे कल रात ख... <laughs> <laughs> हाय अल्लाह तब हायन बजे अजीबो गरीब ट्वीट कर रहे थे मैं कहती सो क्यों नहीं रहा भाई क्यों <laughs> वो सुना है अब पता नहीं इसमें हकीकत क्या है लेकिन इन पे जो इस हुकूमत पे क्योंकि प्रेशर था कि जी आप गिरफ्तार करें इमरान खान को हाँ. तो सुने नवाज शरीफ और मतलब आसिफ अली जरदारी ने भी उनकी समझ में आती है जरदारी साहब की तो समझ आती हाँ, थीक थीक है हां लेकिन सुने नवाज शरीफ ने भी ये कहा है कि वो ये गिरफ्तार-गर्तूर ना करना ब्यूटी हिंनोस यू बिकम अ हीरो व्हेन यू आर गिरफ्तार ठीक है <laughs> और कल ये करके हाँ. आज मियाँ साहब की तस्वीर आई है मुनीजे के साथ रेड पैंट्स क्या बात है ये मेरा फैशन आई आ रहा है बेसिकली ही इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू हमजा शबाज है तो वो मैं ठीक है वो इधरों कुछ पाता है उतने मियाँ साहब हो ज्यादा कलर डार्क करके आते हैं कि यू कान पीच मी ऑन दिस So, तो बाहर एंड यही होता है कि गिरफ्तार गिरफ्तार बिल्कुल नहीं, नहीं करना चाहिए एक बात ये थी कि द प्रॉब्लम विद के जी uh, uh, um, इमरान खान की लाइव स्पीचेस को जो है वो बैन किया जाए बहुत गलत डिसीजन है कल जिस वक्त तो वो बोल रहे थे YouTube को बहुत ही पड़ गई जब मैंने मैसेज किया था ना ग्रुप में कि यार गाइस तुम तो लोग का चल रहा मुझे तो अपनी पड़ जाती है ना उससे तो देखो स्लो कर दिया बात उन्होंने

इमरान खान साहब जो है ना वो ज़ाहिर सबको ये बताते थे कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है हाँ। अच्छा ये जो इस वक्त हुकूमत है ना वो उन्होंने मेरे ख़्याल में खान साहब की बात नहीं सुनी वो घबरा गए हैं अच्छा फिर भी बात है कि घबराने वाली बात कोई नहीं है अभी हाँ नहीं नहीं और वैसे भी देखें अभी बहुत उतार चढ़ाव अभी पता नहीं क्या कुछ होना है वी के बाद से जो इतना कुछ हो गया है ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ हो गया हाँ लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है ये जो इतना सारा कुछ हुआ है ना इसको अभी चार महीने हुए लग लग है। रह कि अब है? बाद नो <laughs> <laughs> so you know, अभी खा नहीं सकते तेरह महीने बाद उसके दौरान अभी पता नहीं उससे पहले क्या कुछ आना है क्या उससे मतलब कोई गैबी इमदाद भी हो सकती है कोई केसों के फैसले भी आ सकते हैं कुछ भी हो सकता है इतनी जल्दी अभी घबराने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी ये ना तो इसलिए आप जो है ना मतलब वो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ना उनको ये कहना मतलब हुकूमत उनको ये कहना सी मतलब सीखें कि नॉट आर प्रॉब्लम

शेम ऑन यू सॉरी वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है उस सबका. हाँ, मैं ये कह रहा था मुझे नहीं कि ये जो सारे बसाए है ना कि कल इमरान खान ने मजिस्ट्रेट को या जज को फलाना कह दिया आ, नहीं तो दो दो कह तो 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 नहीं मसला फिर वही है कि बंदयाल साहब जाने और वो मजिस्ट्रेट हाँ, जाने और वो खान साहब जाने थैंक यू

पुलिस हो गई ये सारे हैं पक्की नौकरी वाले पक्की नौकरी वाले जो है ना वो इस मुल्क में सियासतदानों से हकूमतों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं तो वो अपने मसले खुद सॉल्व कर लेंगे हुकूमत को चाहिए કે કે હર ચીઝ પે કે કેજી હમ તો ઇકોનોમી પે કામ કર રહે હમ મે તો પતા હી નહીં کسને ટીવી પે કિસકો ક્યા કહી દિયા હમ તો બસ યહાં યહાં તક ફાઈલો મે ડૂબે હુએ થે બસ ઇકોનોમી હમારા તો દિન ઇકોનોમી દુપહર ઇકોનોમી રાત ઇકોનોમી અરે આપકો લાગ નહીં રહા કે એસે હી ચલ રહા હ કોઈ ભી નહીં ઉનકી તરફ સે કરા સવાઈ હે ના બટકે જો કે રોજ ક રોજ ના એક વિડિયો ડાલ દેતી હૈ खैर आज उनका एक अच्छा मैसेज आया हुआ था बाय द वे अबाउट द पोलियो ड्रॉप्स एंड ये वो वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई ना ना हां मैं अभी दिखाती हूं वीडियो ये कुछ नहीं मिस करता उनका अभी गौर से कर ले बहुत बहुत बड़ा फैन है ये खैर शबाश के जो है शबाश के की अपनी स्टोरी है कल ये कहा गया कि जी वो भू करताल पर गए हैं फिर उनकी ना डीप फेक उन, उनकी, को, उनकी कोई खाते हुए वीडियो तस्वीर आ गई तो उन्होंने कहा जी डीप फेक है फिर आपने जब सुबह उठी ना तो उनकी केला खाते हुए तस्वीर वाकई बहुत खुल के सामने आई हुई थी जिससे ये पता चला कि ही इज नॉट किज़ हंगर स्ट्राइक ही इज ईटिंग ही इज़ हेल्थी और उन्होंने कहा था किसी भी किस्म का गोश्त भी खिला दें हाव ही इज गोइंग ऑन थ्री डेज जिसमानी रिमांड और की चाहते कोलो बस कर दून नहीं निकलना जरा कटना चाह रहे ने नहीं देखें बात बड़ी सीधी सी है पंद्रह दिन वैसे भी नहीं रखा जा सकता बगैर किसी चीज के फिर वही बात है हम हजार दफा ये बातें कर चुके हैं कि अगर एक बंदा फ्लाइट रिस्क नहीं है तो उसको तो वैसे भी अंदर रखने की जरूरत नहीं है तीसरी चीज ये है कि टॉर्चर तो बिल्कुल भी नहीं और चौथी चीज ये है कि आप जो है ना मतलब वही बात है इसमें नहीं ये नहीं करना चाहिए था अभी जुम्म जुमा वही बात है चार महीने नहीं हुए ये सारे जेलों में थे जी एग्जैक्टली exactly. और तो... उनको आज सुबह अदालत में ना सफेद कपड़ा उनके मुंह के ऊपर डाल के उनको लेकर आए हैं ये क्या हरकतें हैं यार आप डिमीन कर रहे हैं एक बंदे को ठीक है यही प्रोसेस अब तो उनको जेल में डालना नहीं चाहिए सारा कुछ होना नहीं चाहिए था लेकिन इतना डिमीन क्यों करना है किसी को होंगे बोले होंगे आई एम प्रिटी श्योर कि अभी शहबाज गिल आज़ाद हो जाए ना.

शिबली इमरान खान साहब आपको ना कसम से कोई चंगा बंदा तालु लगता ही नहीं है या तो कोशिश ही नहीं करते हैं बहुत लेज़ी आदमी है ये मैंने एसास, मुझे एहसास हुआ है चले शिबली साहब जो है वो नहीं ना, नहीं, नहीं शिबली साहब जो है ना वो मतलब काबिल तो पता नहीं है कि नहीं है कुछ भी नहीं है वो लेकिन वो मुझे ये लगता है कि वो शायद लेस मै हैं <laughs>

वो क्या मांगियो बिजली बिजली यार प्रोग्राम अच्छा, रहे, क्या कर रहा है तुम यहां पे कैसे से समझ नहीं आ रही थी मुझे बिजली वो ये वो फ्यूल एडजस्टमेंट है ना ये तो अब होगी कब तक चलेगी यार ये बस चलेगी अभी हाय मेरा तो बिल इस दफा बड़ा आया अल्लाह करे अब थोड़ा बेहतर हो जाए <laughs> आजकल तो वैसे अली 3 घंटे एसी चल पूरा दिन गुजर जाता है बड़े आराम से सही कूलिंग हो गई होती है जरूरत नहीं पड़ती उसके पास अच्छा जी इन इन अ वंडरलैंड ऑफ नॉन सेंसिकल डिसीजंस दैट कंटिन्यू टू हैपन प्रोबेबली इन पंजाब एट मोस्ट इज कि मुनासलाह साहब ने एक uh, पेप्सी का बोर्ड देखा किसी ब्रिज पे और उस पे लिखा था दिल मांगे मोर समथिंग इस तरह से रोमन उर्दू पे ओने ओदे दे फड्डा पाते कि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇ ਨੇ ਕਹ ਰਹੇ ਹਮੇ ਤਾਨੂਨ ਸਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ अपनी लैंग्वेज को वो प्रमोट करने के लिए मतलब हम सान फायदा देंगे अगर हम उर्दू नहीं बोलते नजर आएंगे सही तरीके से आप ये देखो ना कि मुनस बेचारा और क्या करे <laughs> मुनी डाले <laughs> एक तरफ अबू जी हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट से बना के चलना चाहते हैं दूसरी तरफ खान साहब है जो कह रहे हैं कि मेरे छाड़ रहे <laughs> <laughs> और फिर खान साहब हमको नोट से बड़ा करते हैं कि ये मेरा पचास है हाँ तो अब वो जो है ना मुनस इस तरह के बयानात से ये चाह रही है कि लोगों का ध्यान तो बटे <laughs> <laughs> और खोल लगी यारॉन सेंसिकल शिफ्ट यहाँ तक नहीं है मैं आपको बता रही हूँ सप्लीमेंट्री जो एग्जाम होते हैं जो सफल लगी होती है

बगैर पैसों के जो अगला बचा हुआ प्लेट अपनी खाने की खत्म कर लेते हो हाँ। और रोटी भी बची होती है तो आप उसको क्या कहना है कि सेकंड प्लेट ला देती <laughs> है वाई डज़ इट मैटर कि मेरी आवाज़ समझ भी आ रही हो कि ना आ रही हो आप इंटरप्रेट कर दीजिएगा अगर ज़्यादा मसला लगे तो अच्छा जी ये फैसर डिसीजन से तो अच्छे डिसीजन में यह हुआ कि विच ऑल्सो इज़ अ बैड न्यूज़ डेंगी इतना ज़्यादा फैल गया है कि स्विमिंग पूल्स बंद कर दिएगा यहाँ अक्रॉस द प्रोविंस एंड मैं यही सोच रही थी कि अली जहाँ मतलब

तेरह वाले उसमें पीछे पीछे हुकूमत जो है मतलब मुशरफ गया था उसके बाद हकूमत बनी एक उसने बिजली बुजली कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि अपना वो करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करते रहे फिर उसके बाद 2000 ये इलेक्शन हुए बारह वाले बारह वाले जब इलेक्शन हुए तो 13 वाले बल्कि और फिर जो हुकूमत आई तो करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट उनको बड़ा कम मिला उन्होंने अन्य वाह बोरोइंग की अन्य वाह पैसे लगाए हमारे पे कर्जे दोबारा चढ़वा दिए <laughs> लेकिन ये, मतलब, ये परवेज लाई तो अभी महीना भी नहीं हुआ ना परवेज हाँ, लाई को तो आए हाँ। 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 उससे पहले इन्हीं की थी ना शबाज शरीफ थे हमजाद साहब थे तो इनसे फिरोजपुर रोड का पैच भी नहीं था लग रहा क्योंकि नोथ यार जिससे मुझे याद आया कि शेर पाव ब्रिज के ऊपर ना बड़े ठुएँ पड़ी जा रहे हैं वहाँ पर तो प्लीज़ फिर वेज़िला साहब वहाँ पे उसकी तरफ अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि आप नहीं देख रहे हैं लेकिन अगर कोई और देख रहा है तो प्लीज़ उन मेरे तवस्त से उनको कहें कि उसके ऊपर तवज्जो दें मुझे उस ब्रिज से वैसे ही बड़ा खौफ आता है रोज़ उतर गड्डी लगती है रोज़ एक एक एक्सीडेंट होता है लेकिन अब जो है ना उसके अंदर जो ठुएँ पड़ी जा रहे हैं ना मुझे उससे थोड़ा सा मसला हो रहा है कि फ्रॉबी दैट ब्रिज इज़ गिविंग अप और समथिंग बट समथिंग नीड्स टू भी डन क्योंकि मैं तो वहाँ से ही रोज़ गुजरना होता है एनीवे anyway, अच्छा जी लाहौर एयरपोर्ट पे ना कुछ अरसे से आप पाबंदी लग गई हुई थी बल्कि काफ़ी अरसे से ये पाबंदी थी कि आप पूरा टब्बर चुप के लेके नहीं आ सकते एयरपोर्ट के अंदर नहीं एंटर हो सकते ये होता था कि वो जो ब्रिज आके आते थे जिससे गाड़ियाँ नीचे जाती हैं जहाँ से जहाज नज़र आते हैं वहाँ फिर भी लोग नजर आ जाते थे बट जो छोड़ने आया है ठीक है बंदा बस वो और दूसरा जो बंदा जो पैसेंजर है उन्होंने खोल दिया सारे रिलेटिवस को कि हम सारे आन उत ठीक है सारे सी ऑफ करन सारे मिलन आके क्यों जस्ट बिकॉज बाय द वे लाहौर एयरपोर्ट इज प्रॉब्ली द वन एयरपोर्ट जो लिटरली हॉन्टेड लगता है अच्छा एक तो ये हुआ ये कि परसों या उससे एक रात पहले ख्वाजा साद रफीक ने एयरपोर्ट पे छापा मार दिया जब उसने छापा मारा तो एक काम तो अच्छा किया वो अच्छा काम ये किया है कि जब इतना रश है तो फिर वो जो तीसरी लेन है वो आपने बंद क्यों की हुई है, हाँ, दो। ठीक है हाँ, वो समझ आता है अच्छा वो खुल गई वो एक अच्छा काम किया बुरा काम ये किया बदतमीजी रोल होगा वो, वो जो अरशद नदीम साहब के उनको नहीं जाने दिया अच्छा वो वाला मसला था या कोई और मसला था उन्होंने कहा कि ये भी खोल दो कि जितने मर्जी लोग आ जाएं बंदे को ड्रॉप करना ऐसे नहीं करते मसला इसमें एक और भी है सो उसके बाद मैं कल रात की बल्कि बात है, है परसों रात की कि मैं भी एयरपोर्ट हम भी कुछ चार बंदे एक को छोड़ने गए लेकिन defense, हमने तो, मतलब इसमें क्या फर्क पड़ता है कि गाड़ी में कितने बैठे में? हमने तो ऊपर जाके बंदा उतारा और वो एक है ना। अच्छा वहाँ पे क्या सीन होता है कि वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं ऊपर नीचे उपर. उपर ही होते है। और वो तब तक नहीं जाता बंदा तो उनका अंदर चला गया है तीन घंटे जब तक जाती है अच्छा उसमें थोड़ा सा वो उनका वो होता है कि जी आ, कुछ लोगों का कि अगर ओवरवेट हुआ ना और बंदे ने हमें ना जाने दिया तो हम बाहर आके वो सामान लिफाफे पकड़ा दे हाँ। अच्छा इसका एक बड़ा आसान सा हल है वो हल ये है कि आप ऊपर चढ़ने के बजाय आप नीचे पार्किंग में आके गाड़ी लगा दें और लिफ्ट से ऊपर चले जाएं और खड़े हो जाएं जितना मर्जी वेट करें पचास खड़े हो जाएं ये जो आपने ऊपर ऊपर ड्रॉप लेन में जो गाड़ी खड़ी करनी है ना जो स्यापा वहां पड़ता है ना और लिफ्टर भी था वहां पे वो एक लिफ्टर था वो मुझे लगता था कि वो थोड़ी देर में खुदकुशी कर लेगा <laughs> उसकी वजह ये है कि उसने उठा उठा के गाड़ियां ऊपर रखनी शुरू की हाँ। वो जगह भी भर गई अब उसके बाद वो क्या करे वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो जो ब्रिज नीचे जाता है ना वो भी अक्सर ओवरली क्राउडेड होता है क्योंकि सारे वहाँ खड़े होकर जहाजों को देख रहे होते हैं मतलब मुझे समझ आता है मैं खुद अभी तक ज... मैंने सारी उम्र बड़ा किया है लेकिन मैं अभी भी खुद जहाज एकदम देखा तो मेरा उस पर चला जाता है फाइन जरूर देखे लेकिन नॉट द राइट स्पॉट यहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है पैदल खड़े होके जरूर देखे ऊपर गाड़ी नीचे पार्क करें गाड़ी नीचे पार्क करें खुद उसके बाद लिफ्ट से ऊपर जाए स्टार गेजिंग करें तो प्लेन वाचिंग करें इजी एक्सेस इजी एंटरटेनमेंट उनको मिल रही है वो कभी भी नहीं ये चीज करेंगे लेकिन ये है कि ये डिसीजन कोई वैसे ठीक नहीं था थोड़ा बहुत जो सुकून एयरपोर्ट पे होता था वैसे हाँ। तो, तो वो एयरपोर्ट हॉन्टेड ही लगता ये है, है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने बंदे जा रहे हैं अगर एक बंदे ने जाके एक बंदा भी ड्रॉप करने गया और उसने गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी है तो फिर

जाना पड़ेगा पंजाब यूनिवर्सिटी okay. एक दरवाजा बंद है एक खुला है वहीं से गाड़ी अंदर वहीं से हमेशा अजियत लिटरली यहाँ पे जो शेरपा ब्रिज के नीचे उतरो तो वहां पे चेक पोस्ट की एक अजियत होती है मेरे घर के पास एक अजियत होती है नजर आ रहा है कि लाइन लगी जा रही है उन्होंने बस नहीं नहीं जाना पता नहीं आप लोग इतना इनकनवीनियंट करके क्या आपको मिलता है है एक एक वीडियो वायरल जा रही है जिसके अंदर लड़के ने लड़की को प्रपोज करते दिया उसकी टाँग की नाश पे नाश चढ़ गई थी ये बहुत ही रिलेटेबल चीज़ है मुझे क्योंकि मेरी तो अक्सर ही चढ़ी रहती है

क्योंकि पाकिस्तान में हमारे से खास तौर पे ठीक तरह से नहीं होती है? तो इसलिए वो उस इस पे अब जिस तरह मुझे दिनक दिनक बनाने के बाद एक्सप्लेन करना पड़ा था ना कि मेरी मेहंदी क्यों हो रही है इस गाने में हां इसी तरह ना अब मुझे लगता है कि जो वो जिस तरह के वो आ रहे हैं ना फीडबैक मुझे अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट ऐसा क्यों है यस yes, मैंने इसको वैसे कहा था जब मैंने फर्स्ट मैं, लाइक मैंने प्रीव्यू देखा था ना So I told maybe you might need an explainer video for this because it's funny पर लेकिन थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा वो आउट बार आउट अबाउट लाउड वाला सीन नहीं है ना जैसे हम हमें अगर इस तरह से जो बोलना पुट पुट के चले गए उनको वो कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो लेकिन ये सवाल नोट कर लो ये बिल्कुल नस्प नस्त और ये जो पेट करके उन्हों का फोन आ गया है ना लाइक मेरी लव लाइफ में तो यही रहा है मेरा तो पेट ही खराब हो जाता था कि मुझे फोन आ गया मैं क्या करूँ ठीक है ये फोन एंगजाइटी मेरी वहां से ट्रिगर हुई है अच्छी जी ये अली शाह आप लोगों को पते हैं, वो जो फेक, वो जो फेक कह रहे होते हैं कि जी अगर आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा तो वो करेंगे तो वो हो जाएगा उन्होंने बड़ा मिलियंस एंड बिलियंस कमाए हैं वो फड़े गए हैं पे रोशनी डालो पकड़े गए हाँ नहीं पकड़े नहीं गए हैं बिकेम मिलियन अगर आपको पता है फेक स्टोरी से तो आप लोग पकड़ क्यों नहीं रहे उनको ये क्या बात हुई नहीं नहीं उसमें मतलब एक बंदा कहानी सुनाता है तो उसमें क्या कानून लागू होता है उस पर सो बेसिकली जो काम है ना वो हमारा

तरीका वारदात किया है ये ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स का ये समेत ये कासिम अली शाह के कि एक बंदा था वो बकरियां चराता था <laughs> और फिर उसने जो है बकरियां चराने के साथ साथ Uh, जो उसको okay, okay. पत्थर मिलते थे वो okay. उसने उनको रगड़ रगड़ के उ, उनकी देखचियां बनानी शुरू कर दी और फिर एक दे 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 दिन बन गया। हाँ, आज वो न्यूयॉर्क के फलाने इलाके में <laughs> अपने तीन बच्चों के साथ यॉट पे सोता है आज <laughs> लो जी अवाम क्रेजी के <laughs> साडा भी लगू असी तो स्टार्ट ही बकरियां तो करना नहीं भी है तो आए दे विल गो बैक टू इट सो लॉट ऑफ फेक इंस्पिरेशनल स्टोरीज

मत करेंगे तीस हमारे हम ना वो कॉम है जो कि मौत के पास खुद चल के जाते हैं कि ये अच्छी यहाँ मरने के चांसेस है लेट्स ट्राई लेट्स यू नो चैलेंज डेथ राइट नाउ अब हुआ ये है कि तीन दोस्तों के अंदर चाय की शर्त लग गई थी फॉर स्विमिंग इन सिंध रिवर के अंदर अब आपको पता है फ्लैश फ्लैश चल रहे हैं बट बेताछा पानी आया हुआ है उन तीन दोस्तों में से एक डूब गया की फायदा वो वैसे तो जाहिर है मुझे बड़ा दुख है जवानी के जाने का दर्दें भी होती हैं मौत भी नज़र हाँ। आती है सारा कुछ होता है लेकिन एक मुझे खुशी भी है कि लंघ गई जवानी

एक गेंद के पीछे नसी जा रहे हैं हम हम उनको देखें रोटी खाएंगे क्या करो तुम अच्छा सॉरी पूरी कॉम के लिए एक एंटरटेनमेंट है भाई से तुम तो पता नहीं कहां से इतनी नुसद ले आता क्रिकेट का हम रोटी खाएंगे नहीं नहीं हम हमारी ये लगी हुई है शायद इस वक्त के हम रोटी खाएंगे क्रिकेट से मुझे याद आया कि अनाउंसमेंट हो गई है इंग्लैंड जो है वो सेवन टी पाकिस्तान में खेलेगा और सितंबर में उनके टेस्ट भी हैं लेकिन टेस्ट मैचेस अली मुल्तान की मुझे बहुत खुशी है पिंडी की भी मुझे बहुत खुशी है, टेस्ट मैस मैस देखने है। का इतना मजा नहीं होती नही यहाँ पे शो करने के लिए बीस मिनट के लिए तो होती थी ना दो तीन दफा हाँ लेकिन नहीं याराची में फिर तू तो ही रोवेगा बांगा मारेगा श शो कौन करेगा नहीं नहीं मैं मैनेज कर लेंगे इधर लाहौर ना जम लाहौर में ही मैच करवाना लाहौर में नहीं गाइस आई एम कमिंग अगर आप यह सब मैच देखना चाहते तो आ मेरे बात ना करना हां आप इजी पैसा पे अगर पैसे भेजें मेरी टिकट के हां तो

हाँ। ये इनके इनकी मोनोपोली खत्म करो ये जो कंपनी है और बाकी ये जो सुजुकी से याद है कि सिर्फ बुकिंग की मद में 300 अरब रुपया जमा हुआ है ये जो मंथली प्रॉफिट आ रहा होगा बगैर कुछ किए ना गाड़ी बन रही है ना देनी है बैठे बुकिंग हुई हुई है तीन सौ अरब की ये वाली, <laughs> वाली अच्छा वो पैसे सारे इस्तेमाल हुआ है ना नहीं वो बैंक में है ना तो उसका प्रॉफिट आ रहा होगा वो और वो 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 मतलब दस लाख रुपए नहीं है सीरियसली मुझे ये वाली जिंदगी चाहिए थी ये नहीं जो मैं आज बारिश में रुलती हुई लिटरली अपना एक स्टूल पकड़ के लाई क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता ऊपर मेरा छतरी थी ठीक है और आज ही तुम्हारे घर के सामने पार्किंग नहीं मिल रही थी अली लाइक आई वाज लाइक यार मैं इतनी चीजें उठा कर लेकर आनी इतनी मेहनत मशक्कत करके मैं तुम्हारे घर आई तुम कब मेरी कदर की तुम्हारी कुर्बानी है अच्छा चले सैलाब से मुझे याद आया कि एट दिस वेरी मोमेंट पंद्रह लाख फैमिलीज जो हैं वो अफेक्टेड हैं वेरी बैडली बिकॉज फ्लैश फ्लड्स हैं शिबाज शरीफ ने कहा है कि वो अगले तीन दिन में थर्टी सेवन अरब रुपया जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैमिलीज़ बेसिकली जो है वो इस किस्म की बात हो रही है कि जिनके घर मुतासर हुए हैं उनको अब एक लाख के बजाय चार लाख रुपया दिया जाए लेकिन फिर भी बात है कि ये तो अभी एस्टिमेशन होगी जब पानी उतरेगा अभी तो पानी चढ़ा हुआ है और वाकई आज आतिफ ने भी एक बात जो है ना वो आ, वो बड़ी अच्छी कि इस दफ़ा

एंड वही बात है कि बस वो चीज़ें ले रहे हैं ठीक है पॉलिटिक्स में जो है नताशा का भी वो ट्राइव जो है उनका भी थ्रेड यही था कि शी वज़ लाइक आई एम रियली एम्बेस्ड लाइक आई हैव दिस ह्यूज फॉलोइंग ऑन ट्विटर एंड मैं आती हूँ पॉलिटिक्स की बात करके चली जाती हूँ तो फिर उन्होंने पूरा थ्रेड किया इस बात पर कि ये ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ओ आर एस और इस तरह की जो है अगर आप ये बैग्स बना के और इतने पैसे भेज सकते हैं तो प्लीज़ दें ठीक है रिलीफ कैंप्स आप लोग लगाएं। because... नहीं, लेकिन वही वाली बात है ना मुझे हाँ. आ, इस वी नो देना भी भी है कहां देना? कहां देना? We don't know, seriously. हाँ. किसी को भी नहीं पता है इस पर। अब हाँ, होता ये था कि 2007 8 वाले जो थे जी. उसके बाद भी आपको पता होता था यार यहाँ पे सामान इज ऑन के इमरान खान को कतो पढ़ना है ठीक है मगरों लो सी फिर मतलब शिवराज शरीफ गए हैं उनके विजिट का हम क्या करें मतलब यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम राइट नाउ के डोनेशन जा सके कहीं अच्छा इस सारे रोले में फिर दौसाशी कुमार के साथ इतनी जाती होगी उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया उनको ऑफ पोर्ट किया गया उनको जाने नहीं दिया और उनका ब्लू पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया वो आई डोंट नो के एग्जैक्टली exactly क्या हुआ लेकिन मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे गलत हो सकता है कि उनको ब्लू पासपोर्ट की वजह से ही किया है कि नाउ शी कैन नो लॉन्गर यूज ब्लू पासपोर्ट Oh. वो तो अब मतलब ना वो मिनिस्टर है ना वो कुछ और तो बीच हाँ, में रही है ना स्पेशल हाँ, नहीं, नहीं, हाँ लेकिन अब फिलहाल वो कुछ भी नहीं है सो बेसिकली मेरा ये ख्याल है गलत हो सकता है बहुत अगर आ, गलत है तो उनको वो क्या वो रेगुलर पासपोर्ट पे वीजे के साथ रही होती तो उनको ना रोकते उनको तो रोके इसलिए कुछ किया था यही सोच जा रही थी क्यों किया अर्जुन को ऑफ करके बैठ के सो दिस कुड बी अ प्लॉजिबल रीजन अच्छा एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूँ तरबेला डैम पूरा फुल हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन पिछले दिनों बड़ी खौफनाक खबरें आ रही थी कि जी मुक गया और बढ़ गए हाँ नहीं, नहीं वो अब तो साल में दो दफा ये मंगला और तरबेला भरते हैं दूसरा ये है कि लेकिन वो पानी इतना ज्यादा आ गया था हबको के कौन सा है उसके तो अंदर पानी घुस गया वो उनको प्लांट बंद करना पड़ गया दो दिन के लिए उससे वो चंगा पला खबर नहीं पंद्रह सोलह सौ सो मेगा का नुकसान मतलब शॉर्टफॉल हो गया था उसकी वजह से खैर आप वो मेरे उनका शेयर वगैरह तो नहीं गिरा मेरे ख्याल में वापस चालू हो गया चले वे anyway. अच्छा पानी से याद आया कि पानी का बिल जो जरा शहीद रोड है, है जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात पे कि जी आपने पानी का बिल भी ज्यादा कर दिया है पानी भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया आगे तो कंटेनर आ रहे हैं इनको किसी ने बताया नहीं वो तो ठीक है ये बिल सिर्फ उनका हुआ है सबका हुआ है मेरा तो एक वो स्पेसिफिक अमाउंट पूरे साल का एक दफा आता है जो मेरे मालिक मकान ने पे करना होता है ठीक है वो वो मेरा मसला नहीं होता है लेकिन ये है कि आ, मुझे तो नहीं पता कि कोई इंक्रीज़ आई है या नहीं आई है बस साल में एक ही दफ़ा आता है एनी वे खैर अगर आपकी तरफ पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है तो हमें बताइएगा जूटा लास्ट ये लास्ट खबर है वह ना बस बहुत हो गई है सी डी सेवेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वाले जो ना न्यू स्टीकर लॉन्च कर दिए हैं कितने कलरफुल स्टीकर है वो क्या है या? वैसे हाँ। वो कमाल है लेकिन बिल्कुल ठीक है हाँ। ये बात तो मतलब मतलब 2022 में जो मॉडल आया था उसका हाँ। तो स्टिकर 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 भी नहीं बदला था हाँ। <laughs> तो इस साल बदल ये कितनी बड़ी बात बात है है मैं तो एक हाँ। हाँ। हमारे अस्करी टेन के अंदर जो है ना वो हर चेंज करते हैं गाड़ी हाँ। का वो भी वो भी तो ये मेहरान का कुछ भी नहीं बदलता होता था भाई कामयाब मॉडल था ना इसी तरह सी डी सेवनटी एक कामयाब मॉडल है उसको कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह शादियों के बाद जब बीवियाँ हस्बैंड्स को बदलने की कोशिश करती हैं भाई एक चीज परफेक्ट है ऑलरेडी आपने उसको क्यों बदलना है <laughs>

तो मैंने वो पाँच छः दफ़ा रिकॉर्ड किया हाँ। मैंने सुना उसके बाद में कहा मज़ा नहीं आ रहा तो मैं एक दफा ऐसा करता हूँ कि वो सुन लेता हूँ उनका हाँ। तो फिर ज़रा बेहतर हो जाएगा रिविजन हो जाएगी मैं बेहतर गा लूंगा हाँ। वो मैंने सुना और फिर मैंने फैसला किया कि नहीं गाना <laughs> यार वो इतनी कोई ख़तरनाक सुरीली थी कि और वो मतलब जिस एफर्टलेसली हाँ वो ऊपर हाँ। नीचे हाँ। मैं कह यार पाई जी रह नहीं दे वो काम हाँ साढ़ा नीचे बंदा आपने सिद्ध गाना तो था ना अली अब तुम ये कर रहे कुछ हो कुछ और गा लो लेकिन ओके okay, नहीं नहीं वही हाँ। हाँ। मुझे अपने जब्त पे नाज था सरबाज़ मरात ये क्या हुआ मेरी आँख कैसे छलक गई मुझे रंज है ये बुरा हुआ मुझे अपने सब पे नाश था जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी जो नजर बचा के गुजर गए मेरे सामने से अभी अभी वो मेरे ही शहर के लोग थे मेरे घर से घर है मिला हुआ मेरी आँख कैसे छलक गई मुझे रंज है ये बुरा हुआ मुझे अपने जब्त पे नाज था मुझे हम सफर भी मिला कोई तो हाल मेरी तहा। मुझे हम सफर भी मिला कोई तो हाल मेरी कई मंजिलों का थका हुआ कहीं लुटा हुआ मेरी आँख कैसे छलक गई मुझे रंज है ये बुरा हुआ मुझे अपने जब्त पे नास था ना खूबसूरत गाया है अली ओरिजिनल सुन तेन पता लगे नहीं, वो तो मुझे पता ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू नैयरा नो बट ऑसम थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग और इसमें मैं आखिरी बार करना चाहूंगा ये जाहिर है जाने का दुख होता है लेकिन एक जो अच्छी बात थी वो ये थी कि शी वॉज एट लीस्ट सेलिब्रेटेड इन हर लाइफ तो वरना yeah. यहाँ पे इतने लोग हैं huh. जो कि उस तरह से रहते हैं और मैं के इस वक्त एक जायंट है जो जिंदा है लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं हुआ अरशद महमूद Absolutely. ये बंदा मतलब ये नये yes. नूर की आधी हाँ, कॉम्पोजिशन हाँ. उनकी है सानी की जी, composition's जी, उनकी बेलकुल. ये बंदा बॉर्डर के उस पार पैदा हुआ होता ना उन्होंने चुम आ, चुम मार देना था इधर मतलब आधे से आधे लोग उनको एज कमेडियन जानते हैं हाँ. तो ये मैं कह रहा हूं अभी भी जिंदा मतलब एक दफा उसकी कदर वो होनी चाहिए मतलब जिस तरह था ना वैसे खैर वही वाली बात आर डी बर्मन ने अब पीक तो अपना देखा हुआ था शुरू में उसके बाद फिर उस पर बुरा टाइम आया फाइनली